नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। मुंबई महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत। रेलवे प्रशासन ने की घोषणा, गणपति विसर्जन के मौके पर भक्तों को मिला खास तोहफा। कल से शुक्रवार तक मुंबई के सेंट्रल हार्बर और वेस्टर्न रेलवे पर चलाई जाएंगी विशेष लोकल ट्रेनें। उद्धव ठाकरे गुट के माजी नगर सेवक ने शिंदे गुट में किया पक्ष प्रवेश। एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में प्रवीण शिंदे, स्नेहल शिंदे और प्रतिमा खोपड़े ने पार्टी में ली एंट्री। थाने जिले के कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में मनसे हुई आक्रामक। सफाई कर्मचारियों के पगार को बढ़ाने को लेकर मनसे कार्यकर्ताओं ने किया आंदोलन। मुंबई में मलेरिया डेंगू के बढ़ रहे मामले, अब तक 1068 मरीज मलेरिया से संक्रमित पाए गए, वहीं डेंगू के 1031 मरीज दर्ज किए गए। बढ़ती संख्या को रोकने के लिए मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी लगातार घरों में जाकर कर रहे स्क्रीनिंग। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन को आया हार्ट अटैक, मुंबई के लीलावती अस्पताल में कराया गया है भर्ती। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पहुंचे सिद्धिविनायक मंदिर। उप मुख्यमंत्री ने बेटे और कई कार्यकर्ताओं के साथ लिया बप्पा का आशीर्वाद। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के लिए लगातार भक्तों की बढ़ रही है संख्या, आज 9वें दिन भी दिखी भक्तों की भारी भीड़। महाराष्ट्र के पालघर जिले के माहिम रोड पर हुआ बड़ा हादसा, बाइक में लगी भीषण आग, आग लगने से बाइक जलकर हुआ खाक, बाल बाल बचे माँ और बेटी। अनंत चतुर्दशी और ईद ए मिलाद के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा, महाराष्ट्र के पालक मंत्री शंभू देसाई ने पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। पुणे में जुलूसों में भाग लेने वाले ढोल मंडलों पर प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध। जुलूसों में ढोल नगाड़ों की संख्या को किया गया सीमित, एक पथक को केवल 50 ढोल और 15 ताशों की दी गई है अनुमति। ऐसे तमाम अपडेट्स को देखने के लिए इन24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।